जय हिंद, वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, हैविंग 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कम्यूटेशन एंड हाउ द कम्यूटेशन कैन बी इम्प्रूव्ड। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज हम आपको बताएंगे कि कम्यूटेशन क्या है और इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। कृपया जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। और उन दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के जो है मैं टेक्निकल वीडियोस बनाता रहता हूं जो आपके कंपटीशन में पूरी तरह से मदद करे। और उन्हीं चीजों को मैं एम्फेसाइज करता हूं और आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं जिससे कि आपको 100% फायदा हो। तो आइए आज हम पढ़ेंगे कम्यूटेशन और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं पिछले वीडियो मैंने बताया था कम्यूटेशन को, फिर भी एक जस्ट आपको हल्का सा ब्लॉक आइडिया देता हूं कि कम्यूटेशन है द प्रोसेस बाय विच करंट इन द शॉर्ट सर्किटेड कॉइल इज रिवर्स्ड व्हाइल इट क्रॉसेस द एमएनए, इज कॉल्ड कम्यूटेशन। यानी एमएनए को जब क्रॉस करता है तो जो कॉइल था उसका जो करंट है यानी वो पूरी तरह से आपका रिवर्स हो जाता है। जैसे आपका एन पोल है और एस पोल है, तो आपने देखा होगा एन पोल के जो सामने जितने कंडक्टर्स थे उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा था, और वो जो है जैसे आपका ये आर्मेचर घूमता है और वो एमएनए यानी कि आपने देखा होगा वहां जीएनए था, जीएनए के बाद जो है आपका जो एक्चुअल ब्रश की पोजीशन होती है वो एमएनए पे होती है। तो एमएनए पे जो है वहां पर कॉइल आपका शॉर्ट सर्किट होता है, वहां पर ही करंट आपका रिवर्स होता है। यदि वो पूरी तरह से रिवर्स हो जाता है तो उस कम्यूटेशन को हम आइडल कम्यूटेशन बोलते हैं। यदि पूरी तरह से करंट उसमें रिवर्स नहीं हो पाता है और देर इज स्टिल सम पेंडिंग ईएमएफ आर यू कैन से रिएक्टिव वोल्टेज, सो उसकी वजह से क्या होगा कि कम्यूटेटर सेगमेंट्स एंड ब्रशेस में स्पार्किंग होगा। राइट, आप बाहर देख सकते हैं कि स्पार्किंग है, इट मींस यू कैन अंडरस्टैंड द कम्यूटेशन इज नॉट प्रॉपर। राइट, तो हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्रूव इट, आई एम गोइंग टू कवर दैट। सो अभी हम आपको बता देते हैं इस कंडीशन में कि कम्यूटेशन इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ शॉर्ट सर्किट कॉइल to getting reversed at the position of MNA where the brush is fitting, right? तो यही है। और इसको हम proper कैसे करेंगे, इसके दो method हैं, एक होता है resistance method, दूसरा होता है voltage method। तो आइए हम पहले आपको बताते हैं resistance method। resistance method में हम क्या करते हैं, resistance method basically इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसा हम जानते हैं कि जो आपका कम्यूटेटर है और उसके ऊपर आप देखे होंगे कि ब्रश है जो घूमता है, यानी कि वो क्या करता है कि जो कॉइल है आपकी कॉइल का जो आपने देखा होगा कि ऊपर से जो है वायरिंग जाती है, यानी कि जो कंडक्टर्स हैं दो कंडक्टर को मिला करके आपका एक जो है आपका लूप बन जाता है जिसे आपका करंट फ्लो हो रहा है, और वो जो है आपके ब्रशेस के यानी कि एक आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं आपको समझाने के लिए, तो ये आपका अगर रोटर है, ये आपका एन पोल है, ये आपका एस पोल है, यहां पर आपके जो कंडक्टर्स हैं, राइट, तो ये जो कंडक्टर्स है आपने देखा होगा ए पोर्शन है आपका, ये है जी एन ए यानी ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, राइट। और यहां से हमारा जो ए फ्लक्स है ये जो जा रहा है ए नॉर्थ टू साउथ जाता है, राइट, नॉर्थ टू साउथ हमेशा। तो ये जो इस यहां पर काट रहे हैं आप इसको बोल सकते हैं जो कंडक्टर इसके बीच में आएगा, यानी यहां पर हम एक क्रॉस का निशान लगा देते हैं, यानी कि आप ये जो कंडक्टर है एक क्रॉस है, यहां हम डॉट लगा देते हैं, डॉटेड है, इट मीन्स आप बोल सकते हैं कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आप देखेंगे इस कंडक्टर में ये इस तरफ हो रहा है ऐसे, तो इसका जो डायरेक्शन है डाउन बिलो है, राइट, आप देखेंगे ये नीचे की तरफ होगा, ये नीचे होगा यानी ये डाउन बिलो है, और इसमें जो कंडक्टर्स होगा आप देखेंगे कि ये उल्टा होगा, यानी कि ये यहां से इधर से जाकर के एंटी क्लॉकवाइज और ये आपका नीचे आएगा, राइट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो है आपको डायरेक्शन समझ में आना चाहिए, नॉर्थ से जो कट हुआ ये ऐसे करंट जा रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है, इधर से होगा ऐसे आएगा, इसको हम बोल सकते हैं इसको क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड,
आर्मेचर रिएक्शन में बहुत ही डिटेल्स में मैंने बताया है कि जब आर्मेचर जो है यानी कि जो करंट आर्मेचर के अंदर फ्लो हो रहा है, जो आपका मेन पोल में जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स और इस दोनों के बीच में जो इफेक्ट होता है उसमें दो तरह के होते हैं। एक तो क्या करता है, आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मेन फील्ड को डीमैग्नेटाइज करता है या वीकेंस करता है, यानी इसको कम करेगा या तो इसको वीक करेगा, राइट। और दूसरा होता है एक क्रॉस मैग्नेटाइज करेगा या तो डिस्चार्ज करेगा। तो ये जो कंडक्टर्स है यानी कि आप यहां से आप देख सकते हैं इस पोर्शन पे MNA से इधर अगर हम इसको थीटा मान लें तो ये आपका हो जाएगा, ओवरऑल अगर आप लेंगे तो ये 2 थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये जो एंगल 2 थीटा इधर का है और 2 थीटा इधर का है, यानी कि ये जो कंडक्टर्स आएंगे आपके इस बीच में, ये जो है ये डीमैग्नेटाइज करते हैं, आप बोल सकते हैं डीमैग्नेटाइज और वैकेंस करेंगे ये वाले कंडक्टर, ये डीमैग्नेटाइज के लिए रोल करते हैं। और ये जो कंडक्टर्स आएंगे ये आप देखेंगे दिस पोर्शन यानी कि इस एंगल में, यानी कि आप यहां से देख सकते हैं ये एंगल है, अगर आप इसको ए बी मान लें, ए बी, और इसको सी डी मान लें और इसको ओ मान लें, तो ये हो जाएगा ए ओ डी, ये आपका जो एंगल ए ओ डी एंड आपका एंगल आपका यहां हो जाएगा सी ओ बी, यानी इसके दोनों के बीच में जो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स अंडर दीज, इसके अंदर में यानी कि ये जो पोर्शन है आपका ए पोर्शन दिस कंडक्टर और ये जो पोर्शन है आपका इस वाले के बीच में है, ये जो कंडक्टर्स हैं, ये कंडक्टर्स दोनों ये कौन सा इफेक्ट पैदा करेंगे, क्रॉस मैग्नेटिक आपका मैग्नेटाइक फील्ड, क्यों, क्योंकि इसमें जो है नीचे की तरफ आएगा, यहां से भी नीचे आएगा तो वेक्टर डाउन बिलो होगा। अगर वेक्टर से आप बनाएंगे, ये आपका सपोज हो जाएगा मेन फील्ड है, इसका वेक्टर से इतना, तो आप देखेंगे नीचे है क्रॉस है, यानी कि ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आपका ये है, ये जो वेक्टर डिनोट करेंगे ये नीचे की तरफ है, ये इन कंडक्टर्स के द्वारा होगा, राइट। तो आप देखेंगे कि इसे वैकेंस हो रहा है, तो इसको हम जो है दूर करने के लिए यानी हम क्या करते हैं, ये दो मेथड यूज करते हैं। एक तो हम इसके जो ब्रश को शिफ्ट करते हैं, राइट, ब्रश को हम कहां शिफ्ट करते हैं, आपको मैंने बताया था कि ये आपका GNA है लेकिन यहां पर करंट रिवर्सल नहीं होता है, आपका MNA पोर्शन आएगा थोड़ा सा फॉरवर्ड साइड में, ये समवेयर यहां पर या जो भी है, आप देखेंगे कि यहां पर क्या होगा कि आपका टोटल जो है यहां पर रिवर्स हो रहा है। तो आप ब्रशेस को अगर इस पोजिशन पे लगाएंगे तो आपका स्पार्किंग रिड्यूस हो जाएगा, यू कैन रिड्यूस योर स्पार्किंग, और आप बोल सकते हैं यहां पर कम्यूटेशन आप इंप्रूव कर सकते हैं बाय शिफ्टिंग दिस। तो ये आपका आएगा फॉरवर्ड साइड में। और दूसरा क्या होता है कि इसमें जो है इंटरपोल्स लगाते हैं, वो आपका मेथड आएगा वोल्टेज में। अभी मैं आपको रेजिस्टेंस मेथड बता रहा हूं, रेजिस्टेंस मेथड में क्या होता है, ये जो आपका ब्रशेस है, ब्रशेस यदि आपने कॉपर के ब्रश लगाए हैं, कॉपर के ब्रशेस में क्या होता है कि जनरली ये छोटे मोटरों में लगाया जाता है, और इससे फायदा यह है कि अगर हम कार्बन ब्रशेस यूज कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, अराउंड 2 वोल्ट का ड्रॉप हो जाता है। तो छोटे मोटरों में 2 वोल्ट का ड्रॉप बहुत बड़ी मायने रखता है, इसलिए हम क्या करते हैं, छोटे मोटरों में हम कॉपर के ब्रशेस लगाते हैं, और जो बड़ी मोटर होती है उसमें हम कार्बन के ब्रश लगाते हैं, ठीक है। कार्बन ब्रश में क्या होता है, उसके फायदा यह है कि उसका सेल्फ लुब्रिकेशन मिलता है उसमें, और उसका जो है रेजिस्टेंस के वजह से प्रॉपर कम्यूटेशन होता है। जस्ट मैं आपको एक ब्लॉक आइडिया बताता हूं कम्यूटेशन का, आप यहां समझ जाएंगे। इस कंडीशन में आप देखेंगे अगर हम बनाएं तो हम रेजिस्टेंस कम्यूटेशन यहां पर हम आपको दिखाएंगे अभी, और यहां पर हमारा सपोज ये सेगमेंट है, ये आपका ए है, ये बी है, सी है, अगर हम यहां पर ये ब्रशेस लगा देते हैं आपको तो हमें मिलता ये है, इस कंडीशन में आपका सपोज ये क्वाइल है और क्वाइल में हम मार्क कर सकते हैं कि सपोज यहां से करंट आ रहा है, मान लीजिए आपका 20 एम्पियर है, और यहां से सपोज यहां से आ रहा है मे बी 20 एम्पियर्स या मे बी 15 एम्पियर्स ले लीजिए आप, और यहां से आप ले लीजिए 20 एम्पियर, तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों प्लस हो करके यानी 35 एम्पियर यहां से हमें मिल जाएगा, 35 एम्पियर, और रेस्ट जो है ये माइनस हो जाएगा इसमें से 5 एम्पियर यहां से मिल जाएगा।
इसमें क्या होता है, यदि आपने कॉपर के ब्रशेज यूज किए उसका रेजिस्टेंस कम होता है और फाइनली आपको यहां से इमीडिएट जो है जैसे शिफ्ट हो रहा था आपको पूरा करंट यहां से मिलने की कोशिश करेगा और इस कॉइल से नहीं मिल पाएगा। इसमें क्या होता है कि कम्यूटेशन के लिए जो है टाइम नहीं मिल पाता है और इसका जो पाथ है बेसिकली आप देखेंगे कि जो लो पाथ है वहां से तो करंट ले लेगा और जो हाई पाथ होगा वहां से करंट नहीं लेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि आगे में जैसे पहुंचेगा इमीडिएट जो है इसको शॉर्टिंग करेगा तो वहां स्पार्किंग होता है। इसलिए कॉपर ब्रशेज हम यूज करते हैं तो ज्यादा स्पार्किंग मिलती है, वेयर अगर हम यहाँ पर कार्बन ब्रशेज अगर हम यूज करें कार्बन में तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ज्यादा एरिया आपका बी में है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है यानी कि यहाँ पर करंट फ्लो के लिए ज्यादा पाथ मिलेगा और यहाँ रेजिस्टेंस कम होगा, और यहाँ पर क्या था कि ए में आपका जो है एरिया कम है जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और स्लोली जैसे और मूव करेगा एरिया कम होता जाएगा यानी रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो है करंट यहां से आपको बी से पास होगा, राइट। तो ये है आपके कार्बन ब्रश के फायदे और यहां पर जो है आपका प्रॉपर टाइम मिल जाता है उसको वोल्टेज बिल्ड होने के लिए और इजिली जो है इसका कम्यूटेशन हो जाता है। इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि आपका जो जहां कार्बन ब्रशेज आप यूज कर रहे हैं उसका कम्यूटेटर जो है थोड़ा सा बड़ा साइज का बनाते हैं ताकि उसको प्रॉपर जो है स्पेस मिल जाए कूलिंग के लिए, और क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो उसको जो है थोड़ा सा उसका जो है कि आकार बड़ा होगा और इजिली जो है इससे करंट ट्रांसफर हो पाए। तो ये है आपके कार्बन ब्रशेस के फायदे, इसमें स्पार्किंग कम होती है और इससे जो है कम्यूटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो आपका हो गया एक तो आपको कार्बन यानी इसको हम रेजिस्टेंस मेथड बोलते हैं, दूसरा है वोल्टेज मेथड, तो सेकेंड आप बोल सकते हैं वोल्टेज मेथड, और वोल्टेज मेथड में आता है आपका वोल्टेज या आप बोल सकते हैं ईएमएफ कम्यूटेशन, ईएमएफ कम्यूटेशन में क्या होता है कि आप इसमें एक तो होता है कि आप जो है ब्रशेस को यानी थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर दें, फॉरवर्ड शिफ्ट करके उसको एमएमएफ पे यानी मैग्नेटिक एमएनए पे करें, उसको मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे लगा दें, यहां पर आपका जो है प्रॉपर कम्यूटेशन होने लगेगा। लेकिन 100% आप ब्रशेस शिफ्ट करके नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी मोटर्स होती हैं क्योंकि उसमें आपका बहुत ज्यादा लोड पड़ता है और उसमें क्या है कि कभी लोड कम और ज्यादा होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं वहां पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज और लो होने से आपका लोड हाई वोल्टेज हाई लोड और लो लोड होगा तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है और उसको रिड्यूस करने के लिए हम इसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं जो कि मेन पोल पे लगाते हैं और जो है इसमें इंटरपोल लगाते हैं, जो इंटरपोल क्या करता है क्रॉस मैग्नेटिक जो फील्ड है यानी कि ए आपका यहाँ इंटरपोल होगा मेन पोल के बीच में इंटरपोल होगा और इंटरपोल जो आपके आर्मेचर्स के सीरीज में होगा तो जो करंट आपके आर्मेचर से फ्लो हो रहा है सेम करंट आपके इंटरपोल से होगा तो ये क्या करता है इसको अपोजिट यहाँ पर आपको फ्लक्स मिलेगा, राइट। तो ये क्या करेगा इसको यहाँ पर इमीडिएट जो है न्यूट्रलाइज कर देगा यानी वाइप्ड ऑफ कर देगा, यानी जो आपका कम्यूटेशन था स्टिल जो उसके ऊपर वोल्टेज रह रही थी जिसकी वजह से स्पार्किंग आ रही थी वो वोल्टेज यहाँ पर बिल्कुल वाइप्ड ऑफ हो जाएगी और तो क्या होगा यहाँ कोई वोल्टेज नहीं होगी और यहाँ पर करंट रिवर्सल इजिली टेक प्लेस कर लेगा। तो ये होता है आपका इंटरपोल लगाने से यानी कि ईएमएफ मेथड से, यानी आप क्या कर सकते हैं कि इसको प्रॉपर कम्यूटेशन कर सकते हैं। तो देयर इज टू वे भाई, रेजिस्टेंस मेथड में आप कार्बन ब्रशेज लगाते हैं और सेकंड है आपका ईएमएफ कम्यूटेशन में एक आपको क्या करते हैं इसको थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं ब्रशेज का पोजीशन यानी एमएनए पे लगाते हैं और दूसरा हम क्या करते हैं इसमें बाय यूजिंग इंटरपोल्स, और इंटरपोल हमेशा क्या होता है आपके आर्मेचर के वाइंडिंग के सीरीज में होता है, राइट। तो सेम करंट विल फ्लो थ्रू दिस इंटरपोल एंड विच इज फ्लोइंग इन योर आर्मेचर। तो ये क्या करता है यहाँ पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक जो आपका फील्ड थी यानी जो करंट था रिवर्सल वो उसको जीरो कर देता है, वाइप ऑफ कर देता है, कोई यहाँ पर ईएमएफ जनरेट नहीं होता और यहाँ पर आपका इजली जो है करंट रिवर्स हो जाता है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं प्रॉपर कम्यूटेशन हमारा इंटरपोल लगाने से हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका दो मेथड जो हम कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी अवश्य प्रेस कर दें ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल जाए और उसका फायदा उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।